थे स्वामी नारायण, क्या थी इनकी संप्रदा जो आज हर मुस्लिम देश में अपनी पहचान दे रहा और हिंदुत्व का परचम लहरा रहा। अभी अभी हमने मोदी सरकार के राज में यूएई के अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर बनते देखा, जिसके बाद और भी देशों में मंदिर बनने की बात सुनने आ रही है। बहुत जल्द बहरीन में भी दूसरा हिंदू मंदिर बनने जा रहा। अबू धाबी का यह आकर्षक मंदिर 27 एकड़ में बना है और इसे बनाने में 700 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। यह विशाल मंदिर केवल यूएई का नहीं मिडिल ईस्ट का भी सबसे बड़ा मंदिर होने वाला है। बीपीएस इसका पूरा नाम है, बोचान वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था। ये संस्था सामाजिक और आध्यात्मिक को दर्शाती है। इसकी नींव भगवान स्वामी नारायण के 18वीं शताब्दी के अंत में रखी गई थी। फिर बाद में 1907 का दौर आया, शास्त्री जी महाराज ने विधिवत इस संस्था की उद्घाटन की। भगवान स्वामी नारायण, इनका जन्म 1781 को अयोध्या के छपिया गांव में हुआ था। इन्हें बचपन में घनश्याम या नीलकंठ कहकर बुलाते थे। स्वामी नारायण के पिता का नाम हरिप्रसाद पांडे और माता का नाम प्रेमवती था। इनके तीन भाई भी थे। सबसे बड़े भाई का नाम राम प्रताप, छोटे भाई का नाम इक्षाराम था। घनश्याम जब 7 साल के थे तब पूरा परिवार छपिया छोड़ अयोध्या रहने आ गया। 8वें साल के उम्र में घनश्याम का उपनयन संस्कार हुआ। फिर 11 साल की उम्र तक विधिवत शास्त्रों का अध्ययन किया। जब वे 11 साल के हो गए तो अपने गृह को त्याग दिया। इस छोटी सी उम्र में उन्होंने अपने घर को भी छोड़ दिया और अकेले एक बैरागी की तरह भारत की यात्रा पर पैदल निकल गए। उन्होंने केदारनाथ से लेकर रामेश्वर तक की यात्रा की। फिर जब वो 18 साल के हुए तो गुजरात से सौराष्ट्र आ गए। सौराष्ट्र के लोचपुर गांव में रामानंद स्वामी रहा करते थे। ये वही थे जिसने उद्धव संप्रदाय की स्थापना की थी। इनके आश्रम में सुखानंद स्वामी थे जिनसे नीलकंठ मिले थे। फिर वह उन्हें अपने साथ रामानंद स्वामी से मिलाने ले गए। जैसे रामानंद स्वामी नीलकंठ को देखे तो वो बहुत प्रसन्न हो उठे और उन्हें अपने साथ रखने के लिए जिद करने लगे। नीलकंठ तुरंत तैयार हो गए, जिसके बाद रामानंद स्वामी ने उन्हें उद्धव संप्रदाय का आचार्य बनाने का फैसला कर लिया। रामानंद ने नीलकंठ को 2 नाम दिए, जिसमें पहला नाम नारायण मुनि और दूसरा नाम सहजानंद स्वामी था। जब वह 21 साल के हो गए तो ये दोनों नाम की गद्दी सौंप दी। इसी के बाद से वह भगवान नारायण के नाम से प्रसिद्ध हो गए। भगवान स्वामी नारायण सौराष्ट्र के हर गांव-गांव गए। जितने भी गांव थे उन्होंने उन सारे का दौरा किया। वह जहां भी जाते उत्तम विचार और अच्छी शिक्षा ही देते। सौराष्ट्र में एक गांव पड़ता है गढ़पुर। 1930 में जब वह 49 साल के थे तब वहां उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। फिर वहीं उनकी अंत्येष्टि भी हुई। आज आप वहां जाएंगे तो आपको देखने मिलेगा स्वामी नारायण का बड़ा विशाल मंदिर। ये लोग भक्ति संप्रदाय को मानते हैं। कहा जाता है इस संप्रदाय के लोग को उद्धार के लिए किसी संत के शरण में जाना अनिवार्य है। इनके जो साधु होते हैं वो स्वामी नारायण की पूजा करते हैं। भगवान स्वामी नारायण अपने जीवन के समय में 6 मंदिरों की स्थापना की थी। उनके ये 6 मंदिर अहमदाबाद, भूज, वड़ताल, जूनागढ़ और गढ़पुर में स्थापित है। इन मंदिरों में लक्ष्मी नारायण, नर नारायण एवं भारत की कई देवी देवता स्थापित है। आज अक्षरधाम के साथ साथ स्वामी नारायण संप्रदाय के हर मंदिर में भगवान स्वामी नारायण की प्रमुखता से पूजा की जाती है। यह मूर्ति बहुत विशाल है। इसमें हिंदू देवी के भी कई देवी देवताओं की पूजा होती है, जिनमें राधा कृष्ण, सीताराम, हनुमान जी, लक्ष्मी नारायण और गणपति के नाम जुड़े हैं। सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में स्वामी नारायण संप्रदाय के 10 लाख से ज्यादा चाहने वाले हैं। बीपीएस इन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार भी मिले हैं। इस संस्था के पूरी दुनिया में 1200 से ज्यादा मंदिर केवल अमेरिका में है। आप सिर्फ भारत में ही देखेंगे तो आपको लगभग 800 छोटे बड़े मंदिर तो दिख ही जाएंगे। दिल्ली में जो अक्षरधाम मंदिर स्थापित है वो भी बीपीएस के द्वारा ही बनाई गई है। स्वामी नारायण संप्रदाय के मुख्य स्वामी महाराज शांतिलाल पटेल का 2016 में देहांत हो गया था। अब इस संस्था के स्वामी रघु केशव जीवनदास है।